नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्तायनी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अग्निवीरों के पहली बैच को संबोधित किया है। पहली बैच में कुल 25,800 जवान शामिल थे। सभी अग्निवीरों को देश की ओर से बधाई। अग्निपथ योजना के तहत पहली बैच के जवानों को संबोधित किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम वर्चुअली हुआ, जिससे पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। पिछले वर्ष मोदी सरकार द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष के पहले बैच में 25,800 अग्निवीर शामिल हुए हैं, जिनमें 19,000 सेना में, 28,000 अग्निवीर नेवी में और 3,000 जवान एयरफोर्स में शामिल हुए हैं। अग्निपथ योजना के तहत हर साल 45,000 युवकों की भर्ती होगी। इनकी रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगी और ये अग्निवीर कहलाएंगे। भर्ती के लिए ऊपरी सीमा 23 वर्ष कर दी गई है। आइए आपको बता दें क्या है अग्निपथ स्कीम। 4 साल की नौकरी है, 1 वर्ष का वेतन 30,000 रुपए प्रति माह है, दूसरे वर्ष का वेतन होगा 33,000 रुपए प्रति माह, तीसरे वर्ष का वेतन होगा 36,500 रुपए प्रति माह और चौथे वर्ष का वेतन होगा 40,000 रुपए प्रति माह। 4 सालों में कुल 11,72,160 रुपए की सैलरी बनेगी। रिटायरमेंट के तौर पे 23,43,160 रुपए मिलेगा। इसमें आधा योगदान होगा अग्निवीर का और आधा योगदान करेगी भारतीय सरकार। सुविधाएं रेगुलर सैनिक की तरह ही मिलेंगी। आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्तायनी। धन्यवाद।